गुरु गोविंद सिंह जयंती पर विशेष। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लिखे गए इस लेख में हम जानेंगे कि एक, कौन थे गुरु गोविंद सिंह, दो, उनका जन्म और बाल्यकाल, तीन, उनके जीवन के प्रमुख पड़ाव, चार, उनके विवाह और संतानें, पांच, उनकी प्रमुख बातें, छह, उनके प्रमुख उपदेश, सात, मृत्यु। एक, कौन थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के दसवें गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख समुदाय के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। दो, जन्म और बाल्यकाल। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार राज्य के पटना जिले में हुआ था। विक्रम संवत के अनुसार यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। माता गुजरी और गुरु तेग बहादुर जी अपने घर एक तेजस्वी पुत्र के जन्म से बहुत खुश थे और उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोविंद राय रखा था। तीन, जीवन के प्रमुख पड़ा। सन 1670 तक वे पटना में रहे। यहाँ जिस घर में उनका जन्म हुआ था, वहाँ उन्होंने अपने बाल्यकाल के प्रथम 4 वर्ष बिताए और उसके बाद गुरु गोविंद जी अपने परिवार के साथ पंजाब में आ गए। मार्च 1672 में गुरु गोविंद जी का परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चकनानकी नामक स्थान पर रहने चला गया। इसी स्थान पर इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यहाँ उन्होंने फारसी, ब्रिज और संस्कृत भाषा सहित और सैन्य कौशल में भी पारंगत प्राप्त की। 11 नवंबर 1675 के दिन औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। 29 मार्च 1676 को वैशाखी के दिन गोविंद सिंह सिखों के दसवें गुरु घोषित हुए। सन 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह सिरमौर राज्य के पामवटा शहर में रहने चले गए। सन 1687 में नादौन की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह और उनके मित्रों ने मिलकर अलिफ खान की सेना को हरा दिया। नवंबर 1688 में भंगानी के युद्ध के कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह रानी चंपा के अनुरोध पर वापस आनंदपुर साहिब आ गए। सन 1695 में एक मुगल राजा दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खान को आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने पुनः विजय प्राप्त की और हुसैन खान को मार गिराया। सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और सिख धर्म की विधिवत दीक्षा प्राप्त की। 7 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक चेतावनी के रूप में जफरनामा लिखा। 8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद जी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण भारत में भ्रमण पर गए, जहां उनको औरंगजेब की मृत्यु की बात पता चली। 4, विवाह एवं संतानें। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो से किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ हुआ।
उनका एक बेटा हुआ अजित सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। इनसे गुरु गोविंद सिंह की कोई संतान नहीं थी। 5 प्रमुख बातें। 1 गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को संपूर्ण करके और सिख समुदाय में प्रचलित किया। 2 गुरु गोविंद सिंह बचपन से ही एक महान योद्धा, चिंतक, कवि और आध्यात्मिकता में रुचि लेने वाले बालक थे। 3 विचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है। यह उनके जीवन के बारे में काफी जानकारियां हमें प्रदान करता है। यह नाटक दशम ग्रंथ का एक भाग है। 4 उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। 5 उन्होंने धर्म के लिए अपने समस्त परिवार का बलिदान दे दिया, जिसके लिए उन्हें सरबंसदानी अर्थात पूरे वंश का दान करने वाला भी कहा जाता है। 6 गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी उन्हें कलगीधर, दशमेश, बाजाम वाले आदि कई नामों से भी जानते हैं। 7 गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। उनके दरबार में 52 कवि तथा लेखक उपस्थित रहते थे। 8 इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के संरक्षक भी थे। 8 उन्होंने खालसा के 5 ककारों का महत्व समझाया, जो थे केश, कंघा, कड़ा, किरपाण, कच्छेरा। 6 प्रमुख उपदेश। कोई किसी को नहीं देगा, अर्थ मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना भी नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रमुख रचनाएं। दशम ग्रंथ, अकाल स्तुति, ज्ञान पर बोध जाप साहिब, 24 अवतार, ब्रह्मा अवतार, रुद्र अवतार, हथियार हार, जफरनामे, फिर पंखों का वर्ण लिखा जाता है, खालसा महिमा, 7 मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके पुत्र बहादुर शाह को बादशाह बनने में मदद की। इस समय गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे, जिसे देखकर नवाब वजीद खां घबरा गया। 7 अक्टूबर 1708 को उसने धोखे से गुरु गोविंद सिंह जी की नांदेड़ साहिब में हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने खालसा धर्म का प्रवर्तन जारी रखा और उनके बताए गए मार्ग पर चलते रहें।